आंचल वशिष्ठ मोदी जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। स्वच्छ भारत का निर्माण किया है उन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने डेवलप करी है जो नहीं थी पहले। और योगा में तो उन्होंने योगदान दिया ही है इतना। उन्होंने एक दिवस मनाया उसके लिए एक महत्वपूर्ण, जो अभी 21 जून आने ही वाला है। बस इतने गेहूँ के साथ गुण तो बिस्ता ही है, थोड़ा गरीबों का नुकसान हुआ है लेकिन सबका फायदा भी हो रहा है उसमें। मोदी जी को ही बनना चाहिए। मेरा नाम अंजना सिंह है। मेरा तो यही मानना है कि प्रधानमंत्री हमारे जो अभी फ्यूचर में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनना चाहिए, जो प्रेजेंट में भी हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी योग के स्टूडेंट हैं और उनकी वजह से हमने देखा है कि योग का काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में नहीं विदेशों में तो है ही है। हम योग के ऊपर ही थोड़ा पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि योग को पूरे देश में वो और ज़्यादा लेकर आएँ। कांग्रेस जो है, हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने अभी योग के ऊपर उतना ध्यान दिया है, क्योंकि जो मोदी जी के आने से जो ध्यान दिया गया है योग के ऊपर, हम चाहते हैं कि उसको और आगे ले जाया जाए मोदी जी के सरकार में। मेरा नाम अंशिका मेहरा। श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा पार्टी के, और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा हुआ है। उन्होंने महिला की सुरक्षित के लिए मतलब बहुत कुछ करा हुआ। कांग्रेस तो नहीं, हमें कांग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हम चाहते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। हम सब उनको लाइक करते हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी ही बने देश के प्रधानमंत्री। अपूर्वा, मैं चाहती मोदी जी को हूँ। मोदी जी चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो भी काम करे हैं बहुत अच्छे करे हैं। महिलाओं के लिए बहुत सेफ्टी हो चुकी है, रात को जा सकती हैं महिलाएं बाहर, चाहे वो शिफ्ट हो, उनकी ड्यूटीज की शिफ्ट हो चाहे कैसा भी हो, बहुत अच्छा हो चुका है। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि मोदी जी हैं। जी, मेरा नाम नेहा शर्मा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो युवाओं के प्रति, जैसे आजकल के युवा बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, जॉबलेस। इनफैक्ट मैं खुद एक युवा हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वैकेंसीज नहीं होती, अभी तक हम जॉबलेस घूम रहे हैं। ऐसा फील होता है कभी कभी कि इतना पढ़ के आए हैं तब भी पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, जब हमारे लिए कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। जी, मेरे हिसाब से तो हर एक आदमी को मौका मिलना चाहिए। जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी पहले उनको कोई जानता नहीं था इतना, पहले वो गुजरात के CM थे, अब उनको जानते हैं लोग, प्रधानमंत्री हैं वो, उनको एक बार मौका मिला है। तो मेरे हिसाब से दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, क्या पता वो उनसे बेहतर काम करके दिखाएं। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी को एक बार मौका मिलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री बनने का। जैसे कि वो एक युवा है और उनका ज़्यादा रुझान युवा में रहता है, तो उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि हमें अब ज़्यादा जॉबलेस होना नहीं पड़ेगा। उनसे उम्मीद है हमें कि हमें जॉब्स अवेलेबल होंगी युवाओं को, इसलिए देश का प्रधानमंत्री हम उनको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को। रिया शर्मा। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होने चाहिए। मेरा हिसाब से सबको एक एक मौका मिलना चाहिए, वो अच्छे हैं, युवाओं को भी जानते, मतलब सीखने की वो मिलेगी प्रेरणा कि क्या क्या आजकल हो रहा है। मोदी जी, इसलिए मोदी जी को एक बार चांस मिल चुका है, अब दूसरों को चांस मिलना चाहिए, जो वो भी बेहतर करके दिखाएंगे। जी, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने बहुत वादे करे थे जो वो उन पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने युवाओं को पता नहीं क्या क्या वादे किए हैं, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ राहुल गांधी जी बने। हमें एक अच्छी सरकार चाहिए जो हम स्टूडेंटों के लिए कुछ कर सके, हमें भी लगे हाँ इन्होंने हमारे लिए कुछ करा है। महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा के लिए इन्हें कुछ करना चाहिए। जितना तक देखा गया है BJP ने बहुत अच्छा काम करा है, आगे भी ऐसे करते रहे। उम्मीद करते हैं अच्छी सरकार। हाँ, उम्मीद करते हैं हम कि ऐसी अच्छी सरकार हो। पर हम चाहते हैं जैसे कोई सी भी सरकार बने, कांग्रेस से या BJP से, वो सबके लिए सेफ, मतलब या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, मतलब हर जगह से सेफ्टी हो, ऐसी सरकार बने। मैं एजुकेशन के क्षेत्र से सरकार से उम्मीद करती हूँ कि वो हर जगह से स्टूडेंट से हेल्प करे। जैसे कोई होता है स्टूडेंट जो ऐसी एजुकेशन वो नहीं कर पाता है, तो उनसे सरकार से उम्मीद करती हूँ कि वो उनकी हेल्प करे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सरकार, अगर आप एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो मेजॉरिटी लगती है कि मोदी जी की ही सरकार आएगी, बट ये कि जो मैटर करता है दैट इज़ कि जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने चाहिए। सेकेंड थिंग ये कि आप जैसे जैसे देखते जा रहे हैं कि मतलब जो पूरा इलेक्शन का जो फीस है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा है। मतलब पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन हो रहे हैं तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते थे,
अगर आप मैनिफेस्टो को भी कंपेयर करें कांग्रेस के और बीजेपी के मैनिफेस्टो को, तो दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं। दोनों का ही प्रेजेंट करने का जो वे है वो बहुत अलग दिख रहा है मुझे। तो जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर बात ना होकर के मतलब चीज़ों को कहीं और ही डाइवर्ट किया जा रहा है। यूथ के लिए जो मैटर करता है वो है एजुकेशन सिस्टम। अगर हम देखें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एंशिएंट है। हम वही चीज़ें ग्रैब कर रहे हैं जो पहले से ही होती आ रही है। तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। हाँ, हमारी जो अभी आने वाली सरकार है, हम उनसे बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे रोज़गार की प्रॉब्लम है नई जनरेशन में, रोज़गार के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। तो हम चाहते हैं नई सरकार कुछ ऐसा करे जो अभी जो नई युवा है उनको रोज़गार मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे जो भी है ये बुरी चीज़ें हैं, मतलब अपराध, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर रोज़गार होगा तो मेन जो है रोज़गार पे फोकस करना चाहिए, और जो ये गांव की जो भी व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी अभी गांव पे हैं वहाँ पे बहुत सारी जगह ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोग वहाँ से आते हैं, बहुत सारी वहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारी लोगों की जान भी चली जाती है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम होती है। सरकार ये चीज़ें नहीं देखती है। जब वोटिंग होता है तो तब सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये हमें वोट चाहिए, बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे करो अच्छी बात है, लेकिन उनको निभाना भी चाहिए, मैं ये मानना है। ये बताइए इस बार किसकी सरकार? हमारी तरफ से तो हाथी आना चाहिए। रुपया रुपया लुकोड़ा जिका सो नरेंद्र मोदी कटा दिया लुकोड़ा रुपया, ये वास्ते हाथी आना चाहिए। मोदी सरकार अच्छा काम करती है। हाँ, किसकी सरकार इस बार? वो तो मोदी का। वजह क्या लगती है? काम बढ़िया है? हाँ, काज सभी भालो। बीजेपी की सरकार आएगी। वजह है कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारी सेवाएं प्रदान की हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार ही आना है। मोदी जी की वजह ये है, उन्होंने बुरा क्या किया, काम किया है, जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। क्या एक आपको जानकारी है? क्यों उन्होंने नोट बंद कराया, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये है गरीबों को, लेकिन गरीबों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं था। प्रॉब्लम तो जो लोग काला धन छुपा के बैठे थे उन लोगों को हो रही थी। किसकी सरकार? मोदी की सरकार बने, क्योंकि मोदी ने अच्छे काम किए हैं आगे चल के। हाँ, बाहर से अच्छा रिलेशन बनाया, सब कुछ अच्छा किया। जो आपको दिख रहा है सभी को ही, गरीब से लेकर अमीर तक, सबको मोदी की सब बातें पता लग रही हैं। मोदी ने कितनी तरक्की की है पूरे हमारे देश में, सबको मिल रहा है, गरीबों को सब कुछ, चूल्हा सब कुछ मिल रहा है उसकी, इसलिए ऑब्वियसली मोदी। अब की बार मोदी सरकार, वजह सभी जानते हैं, हर पब्लिक, पूरी पब्लिक सिर्फ मोदी के बारे में ही बात कर रही है। और जो बीजेपी को का नाम है वो मोदी से, और जो मोदी ने आम जनता के लिए करा है, लोगों का देश से ध्यान जो हट गया था, देश की तरफ ध्यान लगाने वाले ही मोदी है। दोबारा से लोग देश के बारे में सोचने लगे हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ कि मोदी आए और कोई भी आए, वो एक अलग चीज़ है कि किसी को भी वोटिंग ज़्यादा होती है वही आएगा, जो भी आए वो प्लीज़ प्रोग्रेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे, रेदर देन कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। एक्चुअल जो चॉइस है वो क्या है? वो मेरी मोदी है, बीजेपी, क्योंकि मैंने जितना भी ग्रोथ देखी रिसेंट कमिंग इयर्स में वो मैंने मोदी के टाइम पे बहुत देखी है। देखिए, आई थिंक मोदी की सरकार जो है वो बेस्ट होगी, क्योंकि उसका जो टारगेट है, जो एम है, और जो उसके आगे एग्जीक्यूटिव नेचर्स है, वो आई थिंक राइट है। इसलिए आज मोदी की सरकार जो है आती हुई दिख रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, क्या संभावना दिख रही है, क्या लग रहा है? अब की यार कानपुर से तो बीजेपी सीट कंफर्म लग रही है, और बाकी स्टेट मतलब अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सीटें आनी है, मोदी सरकार आनी है, क्योंकि काम बड़े अच्छे किए उन्होंने, और देश के लिए एक नाम किया है, जो उन्होंने पुलवामा अटैक करवाया था उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा उसका। एग्जिट पोल आ गए हैं, तो क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बन रही है, क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार बनने के पूरे पूरे उम्मीद है। सरकार लगभग 300 प्लस सीट निकालेगी, ये लग रहा है देखने से। जो मोदी का कार्यकाल रहा है 5 साल का, वो सर्वश्रेष्ठ काल कहा जा सकता है आज तक का। जो उसने
गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया है। जैसे आयुष्मान योजना की है, पेंशन योजना चलाई है, ये सब आम आदमियों की सुरक्षा। ज़्यादा नहीं, ये अभी पूर्वानुमान है। अभी आगे जब 23 तारीख को पूरी पोलिंग होगी तो उसमें आप देखिएगा तो मोदी आगे ही निकलेंगे, बीजेपी सरकार आगे आएगी। भारतवर्ष में जो लोकतंत्र में ये अभी चुनाव हुए हैं संसद के, इसमें ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो एनडीए की गवर्नमेंट फुल बहुमत से तो नहीं आ रही है। ये 220 तक अटक जाएंगे। जिस तरीके से पिछली बार 283 का इन्होंने आंकड़ा छुआ था, अब की बार ये 200 से 220 के अंदर ही रुक जाएंगे। और अन्य दल मेरे ख्याल से तो इनको कोई समर्थन देने के मूड में नहीं रहेगा, क्योंकि जब अटल जी की भी सरकार थी तो एक उनको भी समर्थन नहीं मिला था। तो मोदी के नाम पर जब अटल जी को किसी ने समर्थन नहीं दिया था, जो इतने उदारवादी नेता थे, तो मोदी के नाम से तो मेरे ख्याल से लगता है कोई दल इनके आगे आएगा नहीं, इनको समर्थन देगा नहीं और इनकी सरकार बनेगी ही नहीं। इस स्थिति में यही होगा, जो अन्य दल मिलकर सरकार बनाएंगे, अब वो किसके नेतृत्व में बनाते हैं। वैसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो कांग्रेस होगी, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस हो तो सकती है, लेकिन जो दूसरे दलों के नेता हैं वो यही चाहेंगे, कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि हम अपनी सरकार बनाएं। ऐसे में वो किसी अन्य दल के नेता को प्रपोज करेगी और किसी के नाम पर सहमत होकर के उसको बाहर से समर्थन देने का काम करेगी, और ये जो भी सरकार बनेगी वो 2 से 2.5 वर्ष चलेगी। कानपुर में सिर्फ विकास जायसवाल की जीत सुनिश्चित लग रही है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि माननीय पचौरी जी यहाँ पे किसी भी काम के नहीं निकले, मंत्री परिषद होते हुए भी उन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया। इस वजह से शिव प्रकाश जी को जीत सुनिश्चित लग रही है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा। क्या लग रहा है कि क्या समीकरण बनते दिख रहा है? समीकरण उत्तर प्रदेश किस तरह से बन रहे हैं कि गठबंधन लगभग 30 से 35 सीटें पाएगा और कांग्रेस 8 से 10 सीटों पर रहेगा, बाकी का 20 या 22 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। कानपुर के वोटर हैं आप, क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं, किसकी जीत सुनिश्चित लग रही है कल? ये बीजेपी की जीत निश्चित है। क्या कुछ समीकरण, क्या समीकरण? क्योंकि यहाँ दबौली क्षेत्र है जो गोविंद नगर सीट है, उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ये लगभग हमेशा से जीतती रही है। और इसके अलावा कैंट एरिया जो है वो उनका, अगर वो भी बीजेपी का है तो वो वहाँ से भी बीजेपी को अच्छे वोट मिलने की संभावनाएं हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं 23 तारीख को, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? हमारे हिसाब से तो मोदी की सरकार आएगी। क्या वजह मानते हैं? क्यों? वजह ये है कि उसके 2-4 काम अच्छे लगे हैं तो लोग पसंद करेंगे। हाँ, लोग पसंद करेंगे मोदी को, आगे बल्कि जनता के ऊपर है। सरकार तो बीजेपी की दिख रही है क्योंकि वहाँ जो वोट भी कर रहे थे यही चर्चा चल रही थी। तो क्या सरकार बीजेपी की ही उम्मीद है कि बनेगी। एग्जिट पोल आ चुके हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? भाजपा की। क्या वजह मान रहा है? कानपुर में क्या रुझान बन रहा है, क्या समीकरण बनते हैं? लोगों की वोटिंग के कारण लग रहा है कि देश का विकास होना चाहिए और भाजपा की सरकार बननी चाहिए। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। अब हम लोगों ने वोटिंग करी है, वोट किया है, इस बार लग रहा है फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। और यूथ है, क्या सोचते हैं, किस तरह से क्या सोच रहे हैं? एजुकेशन और अच्छी हो सकती है अब की बार फिर से अगर मोदी की सरकार बनती है तो। वैसे तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनती दिख रही है और जो है अभी कानपुर का तो ये है कि 50-50 का चांस है, लेकिन शायद बीजेपी जीत सकती है क्योंकि जो कानपुर में जो विकास हुआ है, रोड है, लाइटें हैं और भी सारे विकास कार्य हुए हैं, तो इसको देखते हुए लगता है कि मतलब बीजेपी यहाँ से निकल सकती है। देखिए एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, इसलिए कि एग्जिट पोल हमेशा जो है गलत साबित हुआ है। इसलिए 23 मई का हम लोगों को इंतज़ार है, इसलिए कि जिस तरीके से मोदी जी ने जिस तरीके से पूरी चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, कोई विकास का 2014 में जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, ना उन्होंने 15 लाख रुपया दिया, ना 2 करोड़ रोज़गार दिया, ना राम मंदिर की बात कही, ना 370 की बात कही, तमाम मुद्दों पे विफल रही है और जनता उनके झूठ को जान चुकी थी। इसलिए निश्चित तौर पर जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार नेतृत्व में बननी है, अगर नहीं भी बनती है तो तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी जिसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी। निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो आ रहा है
हो सकता है हम उससे बढ़कर ही रहें, और निश्चित रूप से पूरी लहर है, वोटों की बरसात हुई है, मोदी जी के प्रति लोगों में आस्था है, और राष्ट्र को देखते हुए मोदी जी की सरकार बनना निश्चित आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए हमारा राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है, इस समय तमाम बाह्य शक्तियों की निगाह हमारे भारतवर्ष पर लगी है। मोदी जी एक ऐसी शक्ति है जो तमाम विरोधी शक्तियों को जवाब दे सकते हैं। आपका मानना है? जी हाँ, बिल्कुल, मोदी सरकार पुनः आ रही है 23 तारीख को, ये साबित हो जाएगा। वजह क्योंकि जो काम किया है, जो मोदी सरकार ने दिखाया है, मतलब कहा ही नहीं करके दिखाया है, और वो जो दिखाया है वो पब्लिक को दिख रहा है, और जब दिखता है पब्लिक को तो पब्लिक उसको वोट करेगी, और करना चाहिए भी। जब काम किया है पूरा पब्लिक के सामने, यहाँ इलाहाबाद का तो पूरा नक्शा ही बदल दिया है। जो बाहर से आने वाले लोग आज के समय में अगर इलाहाबाद में अंदर आ रहे हैं तो उनको पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा चौराहा है। वो चौराहा है जहाँ इतनी जाम लगता था, इतना दिक्कत होती थी। क्या लगता है आपको कि 23 तारीख को क्या होने वाला है? 23 तारीख को एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली है, और इस बार फुल फ्लैश से ज़्यादा बढ़ के आएगी। एक बार फिर से हमारे माननीय मोदी जी आएंगे, और सबसे बड़ी बात जो रीता बहुगुणा जोशी जी जीत के आ रही हैं, वो हम सब लेडीज़ के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण बात है। देखिए, 23 मई को पूरे देश की जनता जिन आशाओं से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है, एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, और इस देश के लोगों के को जो पिछले 5 सालों में जो विकास दिख रहा है, और हम लोग तो प्रयागराज में हैं, प्रयागराज का विकास देख लिए, सड़कों का, ये जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ वो कितना असर है? सपा बसपा का गठबंधन अपने अस्तित्व के बचाने की ये आखिरी लड़ाई है। 19 का चुनाव हो या इसके पहले 17 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो, ये दोनों समाप्त हो चुके हैं, और ये दोनों समाप्त होने के बाद कांग्रेस पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अपने अस्तित्व को बचाए रखने की ये आखिरी लड़ाई है, और इस चुनाव के बाद ये इन दलों का अस्तित्व पूरी तरीके से प्रदेश देश में समाप्त हो जाएगा। सर्वे हमको तो लग रहा है कि सर्वे से ज़्यादा की स्थिति बनने जा रही है, ऐसा परिणाम आएगा अप्रत्याशित कि लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना प्रचंड बहुमत कि मोदी जी की लहर 14 से ज़्यादा, ये सुनामी दिखाई पड़ रही है। ये बताइए, चुनाव नतीजों को लेकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो कल शाम 5 बजे से दिखाया जा रहा है, 300 पार, हमें लग रहा है 300 पार से हम अधिक मोदी सरकार को मिलने की चांसेज है, क्योंकि विकास हुआ है, वो विकास के दम पे मोदी सरकार दोबारा बनने जा रही है। और प्रदेश में गठबंधन नुकसान नहीं पहुंचाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम लोग विकास अपने प्रयागराज, जो कुंभ अभी पिछला बीता है, इतना अच्छे सुचारू रूप से कुंभ का हुआ है। तो 23 मई को मोदी रिपीट होंगे? हाँ, 23 मई को मोदी रिपीट होंगे। वजह यही विकास, सबसे बड़ा विकास राष्ट्रवाद के, जो इन्होंने अभी पाकिस्तान पे हमला किया उसका भी हम लोग भरपूर सपोर्ट इनका किया, और उसका परिणाम ये 23 मई को दिख रहा है। 100% इत्तेफाक रखते हैं। जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, उसमें से कई वादे उन्होंने गरीबों के लिए पूरे किए, जिसमें से उज्ज्वला है, मकान है गरीबों के लिए, आयुष्मान योजना है, 5-5 लाख रुपए गरीबों को, 5 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को उन्होंने देने का काम किया, जिसमें से 23 मई को हमको लोगों को जो लगता है कि भाजपा अकेले 300 पार करेगी और इंडिया 360-365 इतना पाएगी, और सरकार एक बार फिर से इस देश में मोदी जी की सरकार बनेगी, बदलाव नहीं होने जा रहा। 23 मई को फिर एक बार इतिहास रचने जा रहे हैं मोदी जी, जो 2014 में जिस पूर्ण बहुमत से वो सरकार आई थी, और इस बार उम्मीद है कि हम लोग उससे ज़्यादा सीट की आशा रखे हैं मोदी जी से, क्योंकि उनका जो कार्य है, कार्यशैली है, जो इधर 5 सालों में मोदी जी ने किया, वो पूरी देश की जनता ने देखा, चाहे वो यूपी हो, पूर्वांचल हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जिला हो। यूपी में गठबंधन नुकसान पहुंचा? नहीं, यूपी में गठबंधन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका कारण ये है कि हर आदमी ये देख रहा है कि एक ही आदमियों ने 5 साल में बहुत काम किया मोदी जी ने, और उनको हराने के लिए सारे लोग एक होकर गठबंधन बनाकर उनको हराने के लिए लगे हैं। तो जनता भी ये देख रही है कि एक सच्चे आदमी को हराने के लिए ये जो लोग दल बनाकर एक हुए हैं, तो उनको लोगों ने नकारा है। पोल आ रहे हैं चुनाव नतीजों को लेकर, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या लगता है आपको? हम इस बात को मानते हैं कि अभी तक 2014 में भी जो चुनाव
हुआ था जब सपा की गवर्नमेंट बनी थी, बसपा की गवर्नमेंट बनी थी, तो सारे एग्जिट पोल यही आ रहे थे, लेकिन सब फेल हो गए थे। सपा की फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन गई, बसपा की बन गई। इसलिए हम भी इस पर अब विश्वास नहीं करते। इसके पहले भी जो 2014 का चुनाव हुआ था, ये एग्जिट पोल सब फ्लॉप हो गए थे और चुनाव नतीजा कुछ दूसरा आया। वही इस चुनाव में भी होने वाला है। क्या लगता है 23 मई को क्या होगा? बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो आप कह रहे हैं एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। नहीं, एग्जिट पोल पर हम नहीं, जनता का जो है जो बता रही, एग्जिट पोल सही है, लेकिन जरा भरोसा, दो चुनाव से जब देख रहे हैं तो भरोसा नहीं है। लेकिन मोदी फुल मेजॉरिटी में प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे, ये देश की जनता का मन है, विश्वास है। और आप कहना है कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, नतीजों का इंतजार करें। नतीजों का इंतजार करें, इसलिए कि जो एग्जिट पोल बता रहा है इससे ज़्यादा उम्मीद है, इससे ज़्यादा उम्मीद है। और देश की जनता का मन है और देश की धरती का एक आशीर्वाद है, ऐसे नेता को धरती चाहती है और जनता चाहती है। नहीं नहीं, कुछ हद तक तो सही हो है, लेकिन पूरा सही नहीं होता है। क्या लगता है कि फिर क्या होगा 23 मई को? नहीं नहीं, हमारी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है। बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बराबर ये लोग कहते हैं तो अब की बार 300 के पार और 300 से भी ऊपर होगा, 350 उम्मीद है ये हमारी बीजेपी जीतेगी 300। लगता नहीं कि यूपी में ही रथ रुक जाएगा? नहीं नहीं, कहीं नहीं, सवाल है नहीं है। तो गठबंधन वाला जो बता रहा सर्वे पूरा गलत है। वो जो 40-45 पर हमारे अंदाज से बीजेपी वाले 60-65 पाएंगे यूपी में। सरकार बदलेगी नहीं? सरकार नहीं बदलेगी। कौन बदलेगा? बीजेपी मोदी बनेंगे। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, 100% तो एग्जिट पोल नहीं होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि भाजपा की पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार आने वाली है। 23 मई को क्या लगता है क्या होगा? 23 मई को हम लोग मोदी जी की सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो लगता नहीं कि गठबंधन इतनी मजबूती से लड़ा उत्तर प्रदेश? नहीं नहीं, गठबंधन पूरी तरह से फेल है उत्तर प्रदेश में, और इसी का फ़ायदा उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ रही हैं, और सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी तो दिल्ली में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार बनेगी। प्रयागराज की दोनों सीटों पर क्या? प्रयागराज की दोनों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल आए हुए हैं अभी तक, उससे जो उन्होंने दिया है उससे हम आगे बढ़कर रहेंगे, उससे पीछे नहीं रहेंगे, उससे आगे बढ़कर रहेंगे। और इस बार हम मोदी जी को पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के रूप में फिर से एक बार देखेंगे और अपने देश का विकास भी उसी हद पे आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है कि आखिर मोदी को इतना बहुमत क्यों मिल रहा है? मोदी को जी को इसलिए बहुमत मिल रहा है, उसका कारण एक तरह है कि उन्होंने पूरे शहर का विकास पूरी तरह से किया है। दूसरा, जो बाहरी अराजक तत्व थे उनके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक सतर्क होके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज की तारीख में कोई भी देश उनके अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं है। सर, ये डिसीजन तो जनता ने पहले से ही ले लिया था। जिस तरह से युवा, महिलाएं और आम जनता और राज कर्मचारी वगैरह ने पहले से डिसीजन ले लिया था कि इस बार मोदी सरकार, उसी का रुझान है कि ये 300 के पार दिखा रहा है, लेकिन हमारा आंकड़ा कहता है ये 350 के पार जाएगा और इस बार मोदी सरकार पुनः सरकार बनाएगी केंद्र में। आपका कहना है एक बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल सर, इस बार मोदी सरकार। वजह इलाहाबाद में का निवासी के होने के नाते मैं विकास देख रहा हूँ कि जो जितने विकास हुए वो किसी से छिपा नहीं है, उसी का नतीजा था। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दिया। इलाहाबाद और फूलपुर कौन जीतेगा? फूलपुर और इलाहाबाद हम पुनः जीत रहे हैं और अपनी दोनों सांसदों को केंद्र सरकार में कोई मंत्री पद दिलवाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी इनको पुनः कोई मंत्री पद देंगे। चुनाव 3-4 चीज़ों को लेकर के केंद्र बिंदु में था। एक तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश का मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाया है, उनकी लोकप्रियता, उनके द्वारा जन कल्याण के जो गरीब को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी कुशल रणनीति में जो इस देश की लोकप्रिय सरकार के जन कल्याण के काम थे, जन जन तक पहुंचाने का काम करोड़ों कार्यकर्ताओं ने किया है, ये 3-4 चीज़ों के ऊपर ये चुनाव फोकस था। जो एग्जिट पोल आया है, मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा सीटें भाजपा की आएंगी। जो इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया था कि अब की बार 300 पार, वो निश्चित रूप से वो आंकड़ा पूरा होगा।
परिणाम जो आ रहे हैं वो सब जनता की विल के अनुसार ही हैं, उसके जैसा सोचती है जनता उसके अनुसार ही आ रहे हैं सब। गवर्नमेंट तो आपकी बार मोदी की बननी है दोबारा से। फिर ये सभी के सर्वे अलग अलग हैं, पहले तो हमको ये भी समझना चाहिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये कोई रिजल्ट तो है नहीं, ठीक है ना, ये सिर्फ ट्रेंड्स हैं। तो ट्रेंड्स क्या आते हैं ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। बाकी सरकार बीजेपी की बन रही है इसमें कोई मतलब शक किसी को नहीं है। अब कितनी बन रही है, कैसे बन रही है, ये तो 23 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, सरकार बनने जा रही है, आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? भाजपा। आज आखिर क्यों ऐसे? अभी तक के जितना भी मैंने कार्यकाल देखा है, जैसे कांग्रेस का भी देखा है, भाजपा का भी देखा है, तो उसमें जो कार्य की विधि है, जिस तरीके से कार्य को किया गया है, डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ है देश में, जिस तरीके से देश की मजबूती मिली है, वो भाजपा सरकार में ज़्यादा अच्छी चीज़ रखी है। देखा है कि कांग्रेस में भी कई तरीके से कार्य किए गए हैं, नहीं कांग्रेस में कार्य नहीं किए गए, बट जो भाजपा की नीतियाँ हैं उससे आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, युवा की ताकत, हर एक को एक मजबूती मिली, तो इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कोई है ही नहीं। इस अस्तित्व में भारत का 2.5 क्षेत्रफल है, इसमें मोदी की सरकार देखना चाहिए, क्योंकि मोदी में ही राष्ट्रभक्ति देखना चाहते हैं। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातम, झल्लरी झनकार है गान वंदे मातम, राम के वनवास का गान वंदे मातम, दिव्य ज्योति गीता गान वंदे मातम, इन सभी की पूर्ति नरेंद्र मोदी कर रहा है। जय श्री कृष्ण। सरकार बनने जा रही है, आप किसको देखना चाहेंगे सरकार में? कोई बन जाए, नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहिए, बीजेपी सरकार नहीं बननी चाहिए। क्यों, क्या कारण है ऐसा? पाँच साल में घमंड ज़्यादा हो बीजेपी को, साथ सोच रहे हैं कि देश बस उन्हीं से चल रही है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए, पहले भी डेवलपमेंट हुए थे, लेकिन जिस तरह से पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं प्रचार में ना, मेरे को चाहिए कि मोदी बीजेपी को छोड़ कर दूसरी सरकार बन जाए। किसकी बनना देखना चाहेंगे? किसी के भी, उससे मायने नहीं, बीजेपी की नहीं होनी चाहिए, इसके बाद भले बीजेपी आ जाए, लेकिन चेंज होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार की मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं और 5 साल में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी के संभालें। किसको देखना चाहेंगे सरकार? नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो अच्छे नेता हैं, अच्छे देश की मतलब और अच्छी तरक्की पे जाना चाहता है देश को, और अच्छे कार्य कर रहा है, और उन जैसा कोई नेता हो नहीं सकता। सरकार आप किसकी देखना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस की देखना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये जो देखा है 4 साल में क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ है, अभी एक बार इनको भी आजमा के देखेंगे। राहुल जी बहुत कुछ बातें करते हैं, उनको भी एक बार आजमा के देख लेते हैं क्या क्या देते हैं, रोजगार कितना देते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस थी, लेकिन अब नए जैसे राहुल जी बन रहे हैं, नए रूप में आ रहे हैं, वो कह रहे नहीं हम इतना रोजगार देंगे तो जाएंगे। अब इनका देखना है वो रोजगार देते हैं नहीं। मोदी जी ने बोला था दो ढाई लाख रोजगार देंगे सब कुछ, उन्होंने नहीं दे पाया उतना, एक बार इनको आजमा के देखते हैं देते या नहीं देते। नई सरकार ऐसी होनी चाहिए जो देश के लिए कुछ करे, या फिर जिससे मतलब सब सारी जनता खुश हो, और मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। मोदी जी की सरकार आने से ये फ़ायदा होगा कि पहले की एजुकेशन बहुत वीक थी, लेकिन अब स्ट्रांग हो गई, और कई जगह पे स्कूल नहीं थे, अब सारे जगह स्कूल बनने लग गए। देखिए सर, हम ये एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, जैसा कि पूरे देश में मोदी जी की एक बार फिर से लहर है, अब की बार फिर मोदी सरकार, तो हम भी यही सुनते हैं, कई बार हम लोगों से बातचीत करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यही समझ में आती है कि इस बार फिर से मोदी सरकार का होना ज़रूरी है। अगर इस देश को हमें बचाना है और इस देश की तरक्की करनी है तो उनका आना बहुत ज़रूरी है। लोग जैसी बातचीत होती है एक दूसरे को लेकर के, तो मतलब यही आंकड़े सामने निकल के आते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस देश को मोदी जी की ज़रूरत है। इस बार किसकी सरकार? बजे अच्छा काम किया मोदी जी, बढ़िया काम किया। तो एक काम बताइए जो अच्छा आपको लगा। सबसे पहले उन्होंने गंदगी खत्म कर दी, रोडें बना दी जो आज तक नहीं बन पाई थी। इस बार सरकार विकास के हिसाब से मोदी जी की आना चाहिए। वजह क्या है? 75 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, आप देख ही रहे हो, सब लोग देख रहे हैं मतलब यहाँ पे, तो इस वजह से फिर मोदी सरकार पक्का है। मोदी जी की होनी चाहिए इस बार के बजट में, देखो हर किसी में विकास हो रहा है, शिक्षा में क्या वैसे क्या सर, हर किसी में विकास ही हुआ है। मोदी जी की सरकार बनेगी क्योंकि उन्होंने विकास किया है और अच्छा विकास कर रहे हैं वो, इसलिए उनकी सरकार बनेगी। सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए, बजे क्या कांग्रेस बहुत दिन से आई नहीं, तो कांग्रेस की आनी चाहिए, बदलाव हर इंसान चाहता है। क्योंकि आज तक जो आधुनिकता आई है या कुछ भी भविष्य मिला है ना हमें, तो कांग्रेस की वजह से मिला है। 5 साल में
मोदी सरकार ने सिर्फ पुराने फीते काटे हैं, कोई काम ऐसा नहीं करा जो उन्होंने खुद से कराओ, सिर्फ बरगलाया है, सिर्फ बातों की दुकानदारी करी है। कांग्रेस ने, भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने क्या किया 60 सालों में, आज जो हम हमारे हाथ में फ़ोन है या आधुनिकता है, केवल 2 टैंक और 8 तोपें थी, उसके बाद से आज तक जो हम तीसरी ताकत है ना दुनिया की, वो कांग्रेस की देन है, कोई भाजपा की देन नहीं है। और भाजपा ने बिल्कुल कांग्रेस को ऐसा कर दिया जैसे कुछ करा ही नहीं कांग्रेस ने आज तक 60 साल इस देश को भला सिर्फ कांग्रेस ने करा है, भाजपा ने सिर्फ बातें करी हैं। भाई ये तो अभी डिसाइड करना, अभी तो जो आएगी मतलब जो मेहनत करी है अब दिखेगी, अब जो वादे कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आपकी निगम में कौन सी सरकार है? मेरी निगम में तो भाई साहब समाजवादी पार्टी है। देखिए सरकार जो है वो महागठ गठबंधन के साथ कांग्रेस की आएगी, क्योंकि व्यापारी आजकल के दौर में इतना ज़्यादा पिस चुका है, वो सिर्फ चाहता है कि कांग्रेस आए और दोबारा से इस देश को हमारे सही चलाए। बीजेपी ने सिर्फ पोलराइज करने के अलावा कुछ नहीं कराया, हिंदू मुसलमान को बांटा है, जिससे हमारी जो आजकल की भाईचारता थी वो ख़त्म हो चुकी है देश में। हम चाहते हैं कि दोबारा से वही वक्त आए जो हमारे बचपन में था, हमारी जवानी में था। आज हमारे बच्चे हो चुके हैं, उन्हें हम क्या दे रहे हैं? सिर्फ मोदी मोदी मोदी, घर में सिर्फ यही बातें होती हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें फिर चेंज हों, हम फिर वही बातें करें कि हाँ किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से बेटे काम करना है, ये सब चीज़ें वापस लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगता है? हम देखते हैं, हम बाहर निकलते हैं, बाहर जाने में हमें लगता है कि नहीं, आजकल के दौर में जो GST लगाया है इन लोगों ने, वो 18% हम लोगों पे पड़ रहा है। इस वजह से सेल्स इतनी डाउन है कि जो हम लोग काम करते थे वो चटनी रोटी के लायक भी नहीं रहा है आजकल। इस बार सरकार कांग्रेस की आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इस बीजेपी ने अब तक जितने भी काम किए, जितने भी वादे किए, सारे झूठे किए, सारे हमारे व्यापारी भाइयों को बर्बाद किया है इस सरकार ने। देश का प्रधानमंत्री तो फिलहाल मुझे ये लगता है कि एक बहुत सेंसेबल इंसान होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जो हमारे देश को एक ब्रॉड माइंडेड तरीके से आगे ले जाने की सोच रखता हो, और जिसमें ये काबिलियत हो वो बनना चाहिए, और इस समय आप भी जानते हो कौन बनने वाला है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को साथ दे, युवाओं को आगे बढ़ाने दे। अब मोदी ने क्या किया आज तक? सिर्फ GST और नोटबंदी की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो सब ये मोबाइल चला रहे हैं हम, कैमरा कुमरा, सब कांग्रेस की देन है। किसी दूसरे को भी चांस देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो मोदी ने तो कुछ आज तक किया ही नहीं है नोटबंदी के अलावा। रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है।